कनेक्शन का पीएम का है वो इस दौर का सबसे कमाल का है, और इसीलिए यही कनेक्शन जो है उनको एक जननायक है, उसमें आम आवाम का सरोकार होता है। ये जन सरोकार का जो गवर्नमेंट का पीएम मोदी का अपना एक फिलोसफी है, वो सब इस रोड शो में आप देखेंगे कि जिस समय में वो बतौर एक संगठन के में भी काम कर रहे थे तब भी उनका लोगों के साथ जुड़ाव था, आज जब वो प्राइम मिनिस्टर बन के भी लोगों के बीच में है तो उसी तरह से उनका जुड़ाव है। जो चीयर्स आप देख रहे हैं लोगों का, जो हुजूम का, जो प्यार और स्नेह देख रहे हैं आप लोगों का, ये एक दिन का नहीं है, इसमें वो 50 साल का उनका जो अपना ये कनेक्शन रहा है, जो संवाद रहा है, वो संवाद हम लोगों को इस रोड शो में देखने को मिलता है। और ये अभूतपूर्व है क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसे भी इलेक्शन हम कभी कमी देखते हैं या किसी राजनेताओं को इस तरह का सौभाग्य हमको कमी देखने को मिलता है जब वो कहीं जाते हैं और सारे आम आवाम जो है उन्हें हाथों हाथ लेता है। ये लालचंद जी इस दौर की एक समझिए की सबसे बड़ी चमत्कार है। लोग जो अभी भी ईवीएम पे डॉट करते हैं उनको कम से कम पीएम मोदी का रोड शो देखना चाहिए कि यही वो लोग हैं जो ईवीएम के रिकॉर्ड को बनाते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो हमेशा डॉट करती है। कल भी आपने देखा कि वहां पे कांग्रेस का महाधिवेशन संपन्न हुआ है रायपुर में, और जो पहला स्टेटमेंट आया है वहां से मिनिस्टर भूपेश बघेल का, तो सीधे सीधे ईवीएम पे ही डॉट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमको बैलेट पे जाना चाहिए। तो अगर वो हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम सही होता है, बिल्कुल बाकी जगह वो हारते हैं तो उनको ये ईवीएम। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब इन सारे साल जो है कि वो देखें कि ईवीएम में जो ये चमत्कार होता है ठीक है, जादू ये है, ये रोड शो का बिल्कुल पीएम का कनेक्शन होता है। ये तस्वीरें, ये तस्वीरें सारे जवाब दे रही हैं उन सारे सवालों का। बने रहिएगा हमारे साथ, हमारी संवाददाता आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, ये कौन सा इलाका है जहां पर लोगों में इतना उत्साह दिखा कि प्रधानमंत्री को थोड़े कुछ देर के लिए गाड़ी अपनी रोकनी पड़ी और गाड़ी रोक करके लोगों के अभिवादन को उन्होंने स्वीकार किया और अभिवादन का जवाब इलाका का जो पिछड़ेपन से का लोगों की शिकायत थी वो आप ये देश के मानचित्र में वो सीधे सीधे एयरपोर्ट से जुड़ने जा रहा है। तो ये एक बड़ा ये जो उनको मिलने जा रहा है तोहफा, इसको आप ये इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि ये कर्नाटक के लिए भी एक खास है कि ये इस साल में ये फरवरी तक, आप ये देखिए 27 फरवरी तक पीएम का ये 5वां दौरा है कर्नाटक का, जहां तक मुझे याद है लालचंद जी, और ये 5वां दौरा ये बताता है कि कर्नाटक के लिए पीएम के मोदी के उसके उनके दिमाग में किस तरह की चीजें हैं कि वो कर्नाटक को किस तरह से डेवलपमेंट के मैप पे कर्नाटक की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरे करने के लिए वो किस तरह से संकल्पित है। तो ये 5वीं दौरे को लेके कई अपोजिशन के लीडर या वहाँ पे इलेक्शन को लेके भी लोग अपनी चर्चाएं कर सकते हैं या चर्चा बढ़ा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल में जो राजनीति में कोई लोग हैं वो डेफिनेटली कोई सन्यासी साधु नहीं है, उनका भी एक एम्बिशन राजनीति लोगों को भी टच किया होगा। तो प्रधानमंत्री की ये खासियत उन्हें लोगों से जोड़ती है। बिल्कुल देखिए लालचंद जी, ये अभी कर्नाटक में एक जो मीडिया के तरफ से ये फेक नैरेटिव चल रहा था कि शायद येदियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया गया है और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़े। भारत में जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको हमेशा सामने में रखते हैं। ये पीएम मोदी के अपने जो भी वरिष्ठ सहयोगी है उसके साथ में उनका एक पर्सनल कनेक्शन भी है, और आज आप देखेंगे कुछ मंच पे जब आपने देखा कि जी, और इस बीच में हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से बहुमंजिली इमारतों पर लोग बिल्कुल खचाखच भरे पड़े हैं। सड़कों के किनारे तो लोग हैं ही, बल्कि बहुमंजिली इमारतों पर भी लोग खचाखच भरे पड़े हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की ऐसी बारिश हो रही है जो कि होली तो बाद में होने वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बेलगावी के लोग आज ही प्रधानमंत्री के साथ फूलों की होली खेल रहे हैं। बार बार गाड़ी के शीशे के ऊपर से देखिए फूलों को साफ करना पड़ रहा है, इतने फूलों की बारिश प्रधानमंत्री और उनके काफिले पर बेलगावी के लोग कर रहे हैं। तो